नमस्कार दोस्तों, ये कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की है। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गाँव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गाँव में करते हैं। ये कहकर शिष्यों सहित उस गाँव में चले गए। गाँव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर महात्मा के लिए लाए और रात होने पर बच्चे बूढ़े स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गाँव वालों से कहा, अच्छा अब हम सब चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गाँव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। ये कहकर महात्मा जी चले गए और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गाँव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। ये वरदान देकर महात्मा जी चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा और महात्माओं को चारों तरफ से घेर लिया। कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकने लगा, शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी ही मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह पर पहुंचे और अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछा कर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े लोग आए। सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वो महात्माओं का अपमान करते रहे और चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए भी बड़ी ही मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही महात्मा वहाँ से चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गाँव वालों को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा जी जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के कितने अच्छे लोग थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो, ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो बच्चों पहले गाँव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे, वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे, इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ थे, वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे, इसलिए उनका एक ही जगह टिका रहना ठीक है, इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। दोस्तों बड़े लोगों की बातें भले छोटी हो लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।